नागपुर महानगरपालिका चुनाव सामने है, ऐसे में राज्य सरकार और पालिका में सत्ताधारी दल इनमें लगातार बहस शुरू है। भाजपा का आरोप है कि महाविकास अघाड़ी ने अब तक रमाई घर कुल योजना की 3000 परिवारों को घर उपलब्ध नहीं कराया। आपको बता दें कि नागपुर महानगर पालिका में बीजेपी पिछले 15 साल से सत्ता में है, पर बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए इस बार महाविकास अघाड़ी की ओर से तगड़ी चुनौती भी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार फंड के बंटवारे में भेदभाव कर रही है। शाहू फुले तिलक के नाम से महाविकास अघाड़ी सत्ता में आई, अब वही लोग दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसके लिए भाजपा कल नागपुर के संविधान चौक से भव्य मोर्चा निकालेगी। इसके लिए बीजेपी ने आज विधायक प्रवीण दटके के हाथों रथ का उद्घाटन किया। भाजपा नेता धर्मपाल मिश्राम ने कहा कि इस रथ से जन जागरूकता निर्माण होगी। मागच्या 2 वर्षांपासून आम्ही सातत्याने महानगरपालिकेच्या वतीने राज्य शासनाकडे मागणी नोंदवत आहोत। आम्ही नितीन राऊतच्या यांच्याकडे देखील मागणी नोंदवलेली आहे, मुख्य सचिवांकडे देखील मागणी नोंदवलेली आहे, प्रस्ताव पाठवलेला आहे, परंतु अजूनही महाविकास आघाडीचं शासन कोणत्याही पद्धतीने हललेलं नाही। या शासनाचा निषेध म्हणून भारतीय जनता पक्षाचा हा मोर्चा मोठ्या प्रमाणावर उद्या हजारोंच्या संख्येनं जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाईल। संविधान चौकामध्ये पहिले छोटेखानी सभा होईल आणि त्यानंतर संविधान चौकातून हा मोर्चा पायी पायी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जाईल। जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येईल आणि ही मागणी पुढे रेटण्यात येईल। हे रथ तयार करण्यात याचं कारण काय? आम्ही नागपूर शहरभर ह्या मागण्या लोकांच्यापर्यंत पोचत्या करण्यासाठी म्हणून आज प्रवीणजी दटके यांच्या हस्ते या रथाचा शुभारंभ आम्ही आज या ठिकाणून करतो आहोत। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।